बीबीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास सिक्स का बनाकर देखो 22.2 का समाधान करें। देखिए इससे पहले जो मैंने है सभी भागों का प्राय समाधान कर दिया है, तो अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। चांद की सहायता से नीचे का कोण बनाओ। देखिए नीचे कोण दिया गया है, इसका चांद की सहायता से बनाना है। सर्वप्रथम देखिए चांद की सहायता से बनाने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, जैसे कि यहाँ पे बोला है 30 डिग्री का बनाने के लिए। कितना का बोला है देखिए, एक देख लिख लेते हैं एक बार में। 30 डिग्री, 42, 105, 67, 88, 120 और 205 और 282, ये सब बनाना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये छोटा छोटा ये कोण जो है बनाना है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनाना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। सर्वप्रथम देखिए आप लोग बनाने के लिए क्या कीजिएगा कि एक लकीर खींच लीजिए, छोटा सा लकीर लीजिए, आप लोग बड़ा भी ले सकते हैं, ये हम लोग छोटा सा लेंगे। देखिए यहां पे मैंने जैसे लिया 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर दिख रहा है ना आप लोग को, 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक, ये 0 से 5 तक खींच दिए। देखिए यहां पे आप लोग ए लिख दीजिएगा, यहां पे ए और यहां पे बी। ये ए और बी लिखने के पश्चात आप लोग क्या कीजिएगा कि चांद लीजिए, चांद को लेकर के ये रख दीजिए, ये देखिए इससे मिलाइएगा, ये जो है ये यहां से लेके इसको मिलाइए। देखिए जैसे कि मैंने यहां पे मिलाया, उसके पश्चात देखिए जैसे कि 30 डिग्री है, देखिए 10 10 लिखा हुआ है ना, 20 30, 0 10 20 30, ये कर दी यहां पे, ये 30 डिग्री का हो गया। तो इसको ऐसे मिला दीजिए, इसी से मिला दीजिए, ये 30 डिग्री का हो गया। देखिए 30 डिग्री का हो गया, ये लिख देंगे यहां पे 30 डिग्री, यहां पे सी, तो क्या हो जाएगा ए पर, तो कौन ए सॉरी सी ए बी बराबर 30 डिग्री हो गया। ये देखिए अब जैसे कि 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री से लकीर खींचेंगे पहले। देखिए यहां 42 डिग्री के लिए बनाने के लिए ये लकीर कुछ भी ले लीजिए, लकीर का लंबाई मायने नहीं रखता है, ये ले लेंगे, ले लिए। उसके बाद क्या कीजिए, ये देखिए यहां फिर ये बी खींच दीजिए यहां पे, ये ठीक है। तो इसमें देखिए यहां पे फिर वही करेंगे, 42 डिग्री का जैसे बोला है यहां से खींच लिया, ऐसे कर देंगे, ये मिला लीजिएगा। देखिए ये यहां लकीर मिलना चाहिए, ये 120 का है ना, ये 180 का, यहां यहां मिलना चाहिए और ये यहां पे। उसके बाद देखिए 42, जैसे कि 10 20 30 40 40 हो गया, 40 ये 41 42, तो यहां कर देंगे इसे 42, तो ये 42 डिग्री का बन जाएगा, ये 42 का हो गया। यहां पे देखिए ऐसे कर दीजिए, 42 डिग्री लिख दीजिए और यहां पे सी लिख दिए, क्या लिख दिए सी, तो क्या हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर 42 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए दूसरा, जैसे कि 105 का है, 105 का बनाने के लिए ऐसे देखिए, ये 105, ये हुआ 105, देखिए ये लकीर कर लेंगे, ये लकीर खींच लिए यहां पे, देखिए दे देंगे हम लोग, यहां पे बी और यहां पे ए खींचने के पश्चात देखिए ए, अब देखिए ये रख दीजिए यहां पे, यहां हो गया, कितना है 105, ये हो गया। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये 100 हो गया, 105 यहां पे, तो यहां पे कर देंगे इसे, यहां चला गया हम लोग का, देखिए ये चला गया यहां 105। इस प्रकार आप लोग का बनेगा 105 का, इसे ये 105 का बन गया 105, तो यहां पे लिख देंगे सी, तो क्या हो जाएगा ए बी सी बराबर कोण 105। अब देखिए कितना है, 67 डिग्री का है, तो 67 डिग्री का कितने के लिए, 67 डिग्री का आप बनाएंगे, देखिए 67 डिग्री का ये ऐसे खींच लेंगे, ये 67 डिग्री का, ये लकीर खींच दिए, अब 67 डिग्री का बनाएंगे। देखिए यहां पे बी लिख दिए और यहां पे ए, देखिए ये 67 60 65 66 67, ये 67 डिग्री,
67 डिग्री सी। तो क्या जाएगा ए बी सी 67 डिग्री। अब देखिए दूसरा, अब देखिए जैसे कितना 88 डिग्री है, यहां पे हम लोग 88 डिग्री बनाएंगे। देखिए यहां पे 88 डिग्री, यहां पे 88 डिग्री का कोण, ये हो जाएगा 88 डिग्री का बी ए 88 का। ये देखिए 80 8 88, ये देखिए ये हो गया 80 85 86 87 88, ये 88 हो जाएगा। यहां पे आप लोग खींच दीजिए ये 88 डिग्री का। ये सी लिख दीजिए यहां पे 88। तो क्या जाएगा ए बी सी 88 डिग्री। अब देखिए 120 डिग्री का है, जैसे ये 120, तो 120 का करेंगे सर्वप्रथम लकीर खींच लेंगे। देखिए 120 का बनाने के लिए ये लकीर, बी 120 देखिए पहले इसको मिला लीजिए। अब देखिए यहां यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट की, देखिए ये पहले मिला लीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ये हो गया 120। यहां पे कर दीजिए अब देखिए ये सी हो गया, तब क्या हो जाएगा ए बी सी बराबर 120। अब देखिए 205, अब 205 बनाने के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 205 बनाने के लिए ये लकीर खींच दिए, ये लकीर खींच दिए। देखिए यहां पे क्या करेंगे ए और बी खींच दिए। अब देखिए ये टोटल जो रेखा होता है ये 180 का होता है, 180 में कितना जोड़े जो 205 का, देखिए तो उसके लिए क्या करेंगे 205 घटाओ 180, घटा दीजिए घटाइए तो 5 और ये 10 10 2 10 2, ये कट गया 25 डिग्री का। 25 डिग्री कैसे बनाएंगे, देखिए ये ऐसे ले लिए देखिए ये 180 का पूरा पूरी हो गया। देखिए 180 190 200 205, यहां पे हो जाएगा 205, ऐसे कर दीजिएगा और इसको इधर से मिला दीजिएगा, यहां से मिला दीजिएगा तो हो जाएगा ये 205 डिग्री का। ये देखिए ऐसे होगा, ये ऊपर में हो जाएगा, ये 205 डिग्री हो गया और ये सी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बी ए सी बराबर 205 डिग्री। अब देखिए 282 है, 282 का भी सेम ऐसे बनाएंगे, एक लकीर खींच लेते हैं पहले, देखिए ये लकीर खींच लिए और यहां पे लिख दिया बी और यहां पे ए। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, कितना में घटा देंगे, ये देखिए 282 का बनाना है, जैसे 282 डिग्री का बनाना है, कितना का बनाना है 282 में, तो पहले कितना करेंगे 180 घटा देंगे, घटा दीजिए देखिए 2 0 और ये 102 डिग्री का। यहां पे देखिए इसे कर दे लेंगे, यहां पे नहीं बनेगा तो हम लोग को दूसरा जगह बनाना पड़ेगा। देखिए यहां पे 102 डिग्री का, तो 50 60 70 80 100, 102 ये 182 होगी, यहां पे कर देंगे तो 182 हो जाएगा, ये ऐसे कर देंगे। यहां पे देखिए इसको इसे ले लेंगे, ये देखिए सी, तो 282 डिग्री का कौन हो गया, ये 282, तो कैसे लिखेंगे ऐसे लिख देंगे, देखिए ए बी सी 282 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए सवाल में जैसे कि दिया हुआ है घड़ी में अब नीचे का समय देखा तब दोनों कांटा जिस माप का कोण करें उस माप के माप का चांद से बनाओ और उस
कौन के बराबर कौन बनाओ। देखिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा कब क्या बचता है, ठीक है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग को घड़ी में देखना पड़ेगा। देखिए जैसे कि तीन, ये जो बजेगा तीन बजता है 90 डिग्री पर, तो इसको देख लीजिए घड़ी में, देख लीजिएगा तीन बजता है ना घड़ी। देखिए जैसे कि तीन बजा हुआ है, कितना बजा हुआ है, तीन बजा हुआ है, तो इसको देख लीजिए कैसे देखिएगा आप लोग। घड़ी है ना, ये घड़ी होता है, मान लीजिए यहाँ पे होता है और ये यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, तो ये तीन बजता है, तो ऐसे करके ये 90 डिग्री का बनाता है। तो इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा, जैसे कि मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए ए नंबर का तीन बजा है, तीन पीएम हुआ ना, 3 PM, तो ये 3 PM हो जाएगा कितना, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। अब देखिए जैसे कि है पांच एम जो है वो हो जाएगा आपका 150 डिग्री, कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ये 150 डिग्री। और देखिए 10 AM सी नंबर, देखिए 10 AM जो है वो कहीं ना कहीं 60 डिग्री होगा, और डी नंबर 4 PM है, 4 PM, तो ये होगा 120 डिग्री। इतना इसमें करना और कुछ नहीं करना। उसके बाद देखिए यहां पे जैसे कि दिया हुआ है सेट स्क्वायर की सहायता से नीचे का कोण बनाओ और स्केल पेंसिल कंपास की सहायता से कोण को समान समद्विभाजक करो। देखिए इसमें पहले बोला क्या है, सेट स्क्वायर की सहायता से नीचे का कोण बनाओ, पहले सेट स्क्वायर से नीचे का कोण बनाना है, और उसके बाद क्या करना है, स्केल पेंसिल और पेंसिल कंपास की सहायता से को समद्विभाजक बनाओ। समद्विभाजक देखिए पहले क्या करना हम लोग को, देखिए सेट स्क्वायर इसी को बोला जाता है, ये देखिए इसको देखिए इससे बना दीजिएगा, इसमें एक बहुत इजी है। देखिए ये जैसे कि ये इधर का 30 डिग्री होता है, जैसे कि बोला है देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री ऐसे बना दीजिए, देखिए ऐसे खींच दीजिए, ये ऐसे खींच दीजिए आपका, ये खींच दीजिए आपका 30 डिग्री का हो गया। अब इसको देखिए क्या करना है, यहाँ पे ए लिख देना है, यहाँ पे बी और ये सी। अब इसको क्या बोला है, देखिए पेंसिल कंपास की सहायता से दो बराबर भागों में समद्विभाजक में बांटिए। समद्विभाजक तो ये देखिए इसे इसमें यहां पे रख दीजिएगा ये कंपास, इसको और ऐसे कर दीजिए, ये कर दिए, एक बार यहां से लेके काट देना है और ये यहां से काट देना है, देखिए ये 30 डिग्री का था, इसको काट देंगे, काट दिए तो ये 15 डिग्री का हो गया, इसे करके देखिए ये काट दीजिए, ऐसे कर देना है। अब देखिए ये तो ए नंबर हो गया, ए नंबर। अब बी नंबर में देखिए कितना है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री इससे नहीं बनेगा, इससे बनेगा देखिए इससे। अब देखिए इसको माप भी सकते हैं आप, माप लीजिए, ये देखिए बना है कि नहीं, ये देखिए 30 डिग्री का ये बन गया, 30 डिग्री का ये देखिए 30 डिग्री का है और ये बन भी गया। अब देखिए दूसरा है जो कितना, 45 डिग्री का बनाने के लिए ये चाहिए, देखिए ये वाला, तो देखिए कैसे देखिएगा 45 डिग्री का है कि नहीं, पहले माप लीजिए इसे, ऐसे मापिए, देखिए जैसे कि ये 45 डिग्री का होता था, इधर से बनाएंगे तो 45 डिग्री का हो जाएगा, सेम इसको लीजिएगा इसे और ऐसे कर दीजिएगा, देखिए यहां से लेके ऐसे और ये ऐसे कर दिया, ये कर देगा तो 45 डिग्री का होगा, ये कितना का हो गया 45 का, तो यहां पर ऐसे कर दीजिए, और संधिभाजक बोला है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेके यहां से देखिए ऐसे ले लेंगे, ऐसे ये 45 डिग्री का आधा से वैसे काटना है तो ये कर देंगे, ये देखिए ये हो गया आप लोग का, ये देखिए 45 डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का संधिभाजक कर दिए, ये 45 डिग्री का हो गया। अब देखिए जैसे कि दिया हुआ है 45 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का इससे बनेगा, ये देखिए इधर से 60 डिग्री का बन जाएगा, ये देखिए यहां से 60 डिग्री का, इसको ऐसे खींचेगा, ऐसे ये खींच दिए और इधर से ये देखिए यहां से ये 60 डिग्री का हो गया, ये कितना का हो गया 60 डिग्री का, देखिए पहले माप लीजिए नहीं तो चांस से, देखिए ये 60 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया, तो इसको यहां पे 60 डिग्री लिख दीजिए, 60 डिग्री इसका भी समद्विभाजक करना है तो इसको भी सेम कर देंगे, ये सी नंबर देखिए ऐसे ऐसे लेके
यहां से करके अब यहां से काट दीजिए ऐसे, और ये काट दीजिए ऐसे, ये हो गया। देखिए इसको फिर यहां से खींच देना है, देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए कितना डिग्री का बोला है, जैसे कि अब बोला है 90 डिग्री का, कितना बोला 90 डिग्री का। 90 डिग्री का खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री सेम ऐसे हो जाता है, ये खींच लेंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा ऐसे करके। देखिए यहां से लिए ये 90 डिग्री का हो जाता है, ये कर दीजिए ऐसे, ये इसी को बोलते हैं। देखिए ये 90 डिग्री का हो गया, और इसको ऐसे कर दीजिए, और इसको ऐसे बड़ा सा ले लीजिए, हो गया। और इसको यहां से काट दीजिए, यहां से फिर यहां से, ये समद्विभाजक हो गया। ये हो गया। अब देखिए जैसे कि 1 2 3 चार बना दिए, चार बना दिए। अब देखिए 105 डिग्री का, 105 डिग्री का ये हो जाएगा। देखिए देखिए 105 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को ऐसे रख दीजिए, ये दोनों को ऐसे रख दीजिए, ये लकीर खींच दीजिए, ये ऐसे खींच दीजिए, एक सौ पांच। देखिए ऐसे काट दीजिएगा, इस प्रकार बनाइएगा तो हो जाएगा। देखिए आप जैसे कि ये दिया हुआ है, चांद की सहायता को बिना सिर्फ स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से 45 डिग्री कोण बनाओ। देखिए जब भी ऐसा बोले तो ऐसे कीजिएगा आप लोग, पहले एक लकीर खींच लीजिए ऐसे, देखिए ये देखिए ए और ये बी, देखिए उसके बाद ये स्केल ये ले लीजिए, क्योंकि बोला है चांद के बिना, तो ये ऐसे देखिए ऐसे कर दीजिए, ऐसे हो गया। ये करने के बाद अब देखिए एक बार कंपास से यहां पे काट दीजिए एक चीन, अब ये 60 डिग्री का होता है, फिर 60 डिग्री से यहां ले लीजिए, फिर यहां ये देखिए, और फिर ये अब देखिए क्या कीजिए, ये जो है ये फॉल्स कोण बना लीजिए इसे ऐसे ऐसे करके, उसके बाद क्या कीजिए एक यहां से लीजिए ये यहां से और यहां से, देखिए यहां से ये बिंदी से लीजिएगा, और इसको यहां पर काट दीजिए, ये हो गया 45 डिग्री का। ये कितना का हो गया, 45 का, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का बन गया, ये 45 डिग्री का बन गया। अब देखिए ये चांद की सहायता से बना दिए, अब देखिए चांद की सहायता से 120 डिग्री कोण बनाओ, और कंपास को स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से बराबर 4 भाग में भाग करो। इसका क्या करना, 4 भाग करना। देखिए सर्वप्रथम हम लोग करेंगे क्या, 120 का ये बना लेंगे, देखिए ये लिए 120 का, ये देखिए ये 5 नंबर, ये 4 नंबर था,
ये चार नंबर, ये पांच नंबर, देखिए ये 120 का बोला है तो ऐसे लकीर खींच देंगे, ये देखिए ए और ये बी, एक सौ बीस, ये देखिए ये है हुआ 120। ये हुआ 120 का, इसको बोला 120 टीडी का, ये हो गया। इसको कितना बोला भाग में, चार भाग में बांटने के लिए, कितना भाग में, चार भाग में। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको दो भाग में बांट लेंगे, दो भाग को फिर एक भाग बांट देंगे। देखिए ऐसे कर लेंगे, ये 120 का हो गया, इसको पहले दो भाग में बांट लेते हैं। देखिए ये लंबा कर दिए, ये ये देखिए ऐसे करके दो भाग में बांट दिए पहले, ये दो भाग में बांट गया। तो इसको लकीर खींच देंगे ऐसे, ये दो भाग में बांट गया पहले, ये दो भाग में बांट गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से लेके, कहां से, यहां से लेके एक बार यहां काट देंगे और एक बार यहां, फिर यहां से लेके देखिए यहां पे और यहां से लेके यहां पे काट देंगे और लकीर से मिला देंगे इसे, देखिए ये और ये, हो गया पांच नंबर। अब देखिए छह नंबर, छह नंबर सवाल में जैसे है, स्केल और पेंसिल की सहायता से एक त्रिभुज बनाओ, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का पेंसिल कंपास की सहायता से समद्विभाजक करके कोण के बराबर, समद्विभाजक सरल रेखा, तीन बिंदु बिंदु है या नहीं। देखो पहले क्या करना है कि त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे कि लाइन ले लिए, ये लाइन ले लिए, देखिए जैसे कि यहां पे ले लेते हैं, त्रिभुज बनाना है तो हम लोग को हाइट नहीं दिया है तो ये ले लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर का हाइट ले लिए, ले लिए ये 6 सेंटीमीटर का हाइट। अब क्या करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर का, ये कंपास को 6 सेंटीमीटर कर दिए, कर दिए, एक बार यहां और एक बार यहां से काट देंगे, देखिए यहां पे रख के काट के बना देंगे, बना दिया, ये मान रख देते हैं, देखिए इसको वो रख देते ए और इसको बी और ये कटा जो सी, अब इसको मिला देंगे, देखिए ये मिला दिए और इसको इसके साथ मिला देंगे, ये इसके साथ मिला देंगे, इस मिला दिए। अब इसको बोला है कि समद्विभाजक का निकलिए, समद्विभाजक, समद्विभाजक कैसे करते, देखिए एक बार ए लिए, ये ले लिए यहां से करके, ये देखिए ये करके ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दिए, यहां से काट दीजिए इसको ऐसे ऐसे और इसको खींच दीजिए, लकीर खींच दीजिए इसे, ये खींच दिया, फिर इसको यहां से कर दीजिए सेम, ये लेके और ये फिर यहां से, तो ये इसमें मिल जाएगा, और फिर ये यहां से, यहां पे और ये यहां से, अब इसको यहां से मिला दीजिए, इसी प्रकार समद्विभाजक में बांट देते हैं, ये देखिए ये बांट दिए, हो गया ये पूरा पूरी ऐसे समद्विभाजक में बांट देते हैं, तो हो गया। अब ये दूसरा नंबर देखिए, हम लोग छह तक कर लिए, पढ़ाया छह नंबर तक ही देता है, सात नंबर आठ नंबर पढ़ाया नहीं देता है, तो इतना ही करके इस वीडियो में समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ये देखिए यहां तक मैंने छह तक
कर दिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक स्केल और कंपास की सहायता से पी क्यू एक के बराबर, संधि भाजक ओ क्यू और ये खींच के बनाना है। ऐसा सवाल प्राय नहीं देता आप लोगों को, तो 6 नंबर तक इंपॉर्टेंट था, 6 नंबर तक मैंने करा दिया।